80,000 के शूज 80,000 के वहाँ पे 2 किलो का पैक था 95 पेंस का। अच्छा गाजरे भी यहाँ पे काफी सस्ती है, 45 पेंस की लगी हुई है। एक है ये तो मैं एक हाथ में पकड़ता हेलो गाइस सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो बिन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूं अभी। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम करने वाले ग्रोसरी शॉपिंग, और ये स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम थोड़ा प्राइस कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सुपरमार्केट्स का। जैसे कि आपको पता है कि यार यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ चुकी है, तो हमने सोचा थोड़ा प्राइस कंपैरिजन किया जाए कि डिफरेंट डिफरेंट सुपरमार्केट्स में जो प्राइसेस है, जो कॉमन चीजें होती है जैसे दूध, ब्रेड, टमाटर, प्याज, नॉर्मल सब्जियां, फ्रूट्स, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, और कहां से आप बजट शॉपिंग कर सकते हो। तो आपका जो पूरा बजट है वो आज हम बताने वाले हैं आपको ग्रोसरी शॉपिंग का। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो हम सबसे पहले सुपरमार्केट में आ गए हैं जो कि है एलडी। यहां से हम सारी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत सामान, एक काम करते हैं थोड़ा बहुत सामान यहाँ से लेते हैं। हाँ। फिर उसी चीज को हम कंपेयर करेंगे कि दूसरी सुपरमार्केट में कैसा है, और बजट में भी दिखाएंगे, इंटरमीडिएट भी दिखाएंगे और हाई लेवल वाली भी। हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आओ, ऐसे बैग जरूर लेके आओ क्योंकि हर एक बैग के यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, तो ये बैग्स बहुत काम आते हैं। एलडी में ना यहाँ पे सुपर सिक्स का होता है, जैसे सुपर सिक्स वाले फ्रूट जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, 79p का इजी पिलर ऑरेंज लगे हुए हैं, बहुत ही सस्ता है, 1 पाउंड से भी कम है। बनानास लगे हुए 71p के, बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे 1 पाउंड से कम के मिल जाती है। अच्छा एप्पल की ना यहाँ पे बहुत सारी वेरायटी है, लेकिन हम जो लेते हैं वो लेते हैं रॉयल गाला, ये वाले सस्ते भी हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, देखो लाल लाल एप्पल्स हैं। अच्छा टमाटर भी ना हम यहाँ से ये वाले लेते हैं, वाइन राइपन टमाटर्स, इसका प्राइस एक्चुअली लिखा नहीं हुआ लेकिन 129 का होता है, 169 के ये वाले लगे हुए हैं, तो ये भी काफी सस्ते हैं और बाकी सुपर मार्केट से। मैंने ये देखा, ये जो वाइन टमेटोज होते हैं ना, ये सब इंडियन सब्जियों के लिए ये बेटर होते हैं रादर देन अदर टमेटोज। अच्छा बैंगन लगे हुए हैं यहाँ पे 75p का एक बैंगन है, और काफी अच्छा बैंगन का भरता मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ सस्ता हो ना हो, ये बहुत सस्ता है, 35 पेंस का नमक, ब्रिटिश टेबल सॉल्ट, ये नमक इश्क का ये है 35 पेंस का। वाह सस्ता प्राइस है ना, मतलब और कंपैरिजन में तो सस्ता ही लग रहा है हमें। इवन चिकन का सेक्शन यहाँ पे काफी अच्छा है, काफी वैरायटी के चिकन है एलडी में, और प्राइस भी इसका प्राइस क्या है, हमने छोटा वाला लिया है 225 का है, और बड़ा वाला चिकन थाई फिलेट है 369 का। और अभी यहाँ पे इतने सारे बटर की टिक्की उठाते हुए इसका बनेगा घी, इसका रीजन है कि मुझे घी बनाना है, और यहाँ पे एक जो ये टिक्की है बटर की है 2 पाउंड, मतलब 199 की है, तो 10 पाउंड में बहुत सारा घी बनता है। हाँ 10 पाउंड में काफी अच्छा घर का घी है, तो उसकी वीडियो भी बनी हुई है ऑलरेडी, है ना। हम लोग यूज करते हैं सेमी स्किम मिल्क जो कि ग्रीन ढक्कन वाला होता है, तो ये वाला जो है 165 का है, 2 लीटर की बॉटल है, 4 पाइंट्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये वाला यूज करते हैं हम लोग मिल्क। अच्छा यहाँ पे कुकिंग ऑयल लगा हुआ है, और ये है वेजिटेबल ऑयल 175 का है बस 1 लीटर, और सनफ्लावर ऑयल 210 का, ये सनफ्लावर ऑयल है 210 का। हम लोग जो है हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं 359 का, थोड़ा महंगा है ये, बट ये कुकिंग के लिए अच्छा रहता है। कौन सा, अच्छा वो अलग है, ये अलग है। हाँ जो पोटैटोज है हम ये वाले लेते हैं, वाइट पोटैटोज है ना। हाँ, इतना बड़ा पैक जो है वो 95 पेंस का है बस यहाँ पर, और ये काफी अच्छे हैं, इंडिया की तरह लगते हैं वाले खाने में। यार जो इंग्लैंड है वो फेमस ही आलूओं के लिए। हाँ, तो ये अगर आलू सस्ते नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं है। ये होगा 2 किलो। हाँ, 2 किलो है। 2 किलो का पैक है 95 पेंस का। अच्छा गाजरे भी यहाँ पे काफी सस्ती है, 45 पेंस की लगी हुई है 1 किलो की। मैं बताती हूँ उसका रीजन, यूके में 2 ही चीजें उगती है, एक आलू और एक गाजर। अच्छा चीजें सस्ती है ऑब्वियसली क्योंकि बाहर से नहीं आती यही तो। अच्छा ये सारा प्राइस अभी एलडी का चल रहा है। हाँ, इसके बाद अभी हम दूसरी ग्रोसरी शॉपिंग में थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। और अनियंस हम हमेशा रेड वाले लेते हैं, तो रेड वाले 2 अनियन ले ले। हाँ, 2 पैक 72 पेंस का एक पैकेट है, और 1 किलो का पैक है ये। 1 किलो का पैक, और भी बहुत सारे टाइप के अनियन है, व्हाइट अनियन का पैक है 65 पेंस 1 किलो का। और जो ब्रेड है यहाँ पे वो है 72 पेंस की, ये वाली एक ब्रेड लगी हुई है, तो काफी डिफरेंट डिफरेंट तरह के है, तो सबसे सस्ती आप ये वाली भी ले सकते हो। और अगर एग्स की बात की जाए तो यहाँ पे 6 ब्रिटिश फ्री एग रेंज वाले एग्स जो है वो 149 के लगे हुए हैं, तो ये काफी सही रहते हैं ये वाले एग्स। यहाँ पे शुगर पड़ी है, शुगर का एक पैकेट है 95 पेंस का, 1 किलो का पैकेट है ये। पैरासीटामोल यहाँ पे काफी यूज होती है, तो वो 29p की है। अब हम आ गए फ्रोजन सेक्शन में, फ्रोजन सेक्शन में भी काफी अफोर्डेबल यहाँ पे बजट में चीजें मिल जाती है, जैसे कि हो गया फ्रेंच फ्राइज हो गए, गार्लिक ब्रेड हो गई, या फिर और चीजें हो गई जैसे फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गई, तो ये भी काफी बजट में यहाँ पे मिल जाते हैं। और हम हमेशा ना यहाँ से कर्ली फ्राइज लेते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले, ये कर्ली फ्राइज, ये ना लाइटली सीजनड होते हैं, बिल्कुल फिक्के नहीं होते, इसलिए मेरे को अच्छे लगते हैं। हाँ
10 गार्लिक ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं वो लगी हुई है 95 पेंस की। तो बास्केट हमारी भर चुकी है। तो हमने शॉपिंग तो बहुत सारी करी है, लेकिन आज हम प्राइस जो है वो बेसिक चीजों का कंपेयर करेंगे, जैसे कि दूध, ब्रेड, बटर या फिर ग्रोसरी, नॉर्मल जो टमाटर, प्याज, आलू, ये सब चीजें होती है, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं आज हम। और अपना एक पाउंड लेना यहाँ से मत भूलिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं मॉरिसन में, और ये जो है ये थोड़ी मिड रेंज वाली सुपरमार्केट मानी जा सकती है, एल्डी से थोड़ी महंगी है बट मार्क्स एंड स्पेंसर से थोड़ी सस्ती। हाँ, तो अभी इसमें देखते हैं क्या कुछ बेसिक चीजों का प्राइस जो है वो क्या है। यहाँ पे क्रिसमस ट्री आ गई, और ये रियल है, ये फ्रेश रियल क्रिसमस ट्री है। घरों के अंदर हम आर्टिफिशियल लगाते हैं, लेकिन ये वाले फ्रेश है, खुशबू आ रही है, बट ये ना काफी चलते नहीं है इतने ज्यादा, कुछ टाइम, एक महीना चलते हैं। चलो आओ भाई, हर किसी ने ना अपने प्राइस कट लगा रखे हैं, देखो हर जगह ये येलो येलो साइन दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है सस्ते में लगा हुआ है सब कुछ, ये सारा येलो सस्ते में है। वो देखो वो सामने येलो 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 येलो, ये येलो सब सस्ता कर रखा है इन्होंने। फिर भी देखते हैं क्या थोड़ा बहुत क्रिसमस टाइम है ना, क्रिसमस टाइम भी है कि लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो सुपरमार्केट्स भी आई थिंक ट्राई कर रही है कि कुछ थोड़े बहुत डील्स लगाएं। जो यहाँ पे 6 एप्पल है उनका प्राइस लगा हुआ है 1 pound 69 pence। हर सुपरमार्केट ने आजकल अपना प्राइस कट कर रखा है, 79 पी के यहाँ पे बनानास लगे हैं, और एलडी में भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस था। अच्छा, अगर ब्रेड्स की बात की जाए मॉरिसन से, तो होविस की सॉफ्ट वाइट मीडियम जो है वो 145 की लगी हुई है, और अगर आप दो लेते हो तो 2.5 pound की दो आप ले सकते हो, तो काफी सही रेट है। मतलब आजकल हर सुपर मार्केट ने प्राइस जो है अपने कम कर रखे हैं। तो यार अभी हम आलूओं के जो प्राइसेस थे वो कंपेयर कर रहे थे, ये वाइट पोटेटोज जो 2 kilo का है वो यहाँ पे है 129 का। हाँ। और एलडी पे था 95 पेंस का। बेसिकली होता क्या है, ये जो बड़ी सुपरमार्केट्स होती है ना, यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है कि हम ना शॉपिंग के नाम पे थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और हमारे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। एलडी पे क्या होता है, लिमिटेड चीज़ें होते हैं, हमें पता है कि यही चीज़ें मिलेगी और हमने यही चीज़ें खरीदने जाना, और सस्ती में ही होती है वो। हाँ, और वो सस्ती भी होती है, और आप ना भटकते नहीं हो है ना, दिमाग भटक जाता है, अरे ये भी ले लेती हूँ ये भी ले लेती हूँ, वैसा चीजें जो है एलडी पे नहीं होती। वहाँ पे बस ऐसे ना जैसे घोड़े के ये लगे होते हैं ना साइड में, वैसे चलते जाओ, यही सामान उठाना है, उठा के घर आ जाओ। यहाँ पे जो चिकन है छोटा वाला वो लगा हुआ 349 का, और एलडी पे कितना था, 225 का, तो काफी डिफरेंस है। अगर कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो वेजिटेबल ऑयल यहाँ पर है 175 का मॉरिसन में, और जो सनफ्लावर ऑयल है वो है 239 का, 275 का था इन्होंने कम कर दिया 239 का। और ऑलिव ऑयल तो पूछो ही मत, इसलिए मैं जो ऑलिव ऑयल है वो ऑल्डी से ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ के ये जो ब्रांडेड ऑलिव ऑयल है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। हाँ। मिल्क का प्राइस हर जगह पे सेम है, यहाँ पे भी स्किम्ड मिल्क 165 का लगा हुआ है। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, महंगी जगह पे जा रहे हैं, सस्ती जगह नहीं जाते हैं। एलडी से हो गई हमारी सस्ती वाली शॉपिंग, अब हम कंपेयर करेंगे कि भाई ये जो मार्क्स एंड स्पेंसर है वो है सबसे हाई एंड वाली शॉपिंग। यहाँ पे ना कुछ हाई एंड ग्रोसरी ब्रांड्स है लाइक M&S, वेट्रोस, तो ये यहाँ पे ना बेसिक चीजें भी काफी महंगी आती है, तो हम तो यार नॉर्मल शॉपिंग यहाँ से नहीं, बट क्वालिटी के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी यहाँ अच्छी है। कुछ कुछ चीजों में क्वालिटी जो है वो मुझे यहाँ अच्छी लगती है, जैसे कि बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, यहाँ का जो फ्रूट है वो थोड़ा सा बेटर टेस्ट करता है, इसलिए मुझे यहाँ से वो लेना पसंद है। और उसी के साथ गौरव की एक फेवरेट चीज है, वो अभी आपको दिखाते हैं, जो मार्क्स एंड स्पेंसर की उसकी फेवरेट चीज है। चलो फिर चलते हैं अंदर, इसकी देखे क्या क्या प्राइसेस है। भाई नींबू से ही स्टार्ट कर लेते हैं, एक नींबू 45 पेंस का है, मतलब हद मचा रखी है। देखो ये वाले नींबू है 150 के, ये वैल्यू वाला है। 6 apples जो है यहाँ पे लगे हुए 225 के M&S में, LD का प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे 71 पी का LD में था, और यहाँ पे है 125 का बनाना का पैकेट। इतना छोटा सा वाटरमेलन है, ये तो मैं एक हाथ में पकड़ पाऊंगी। और ये है 3 pound का, 3 pound का है ये, बेबी वाटरमेलन 3 pound का है, 300 rupees का ये, वाह यार। और यहाँ पे जो अच्छी वाली ब्रेड है वो लगी हुई है 150 की, ये वाली सीडेड ब्रेड है। और यार मैं ये कह रही हूँ कि ब्रेड का साइज देखो कितना छोटा है। हाँ, उसके कंपैरेटिव छोटा है। हाँ, साइज छोटा है, लेकिन जो क्वालिटी है ना, ऑफ कोर्स आपको M&S की क्वालिटी जो है वो अच्छी मिलेगी, प्राइस ज्यादा है। हाँ, बहुत
प्राइस ज्यादा है तो फिर क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ की, लेकिन अफोर्डेबल अगर बजट शॉपिंग करनी है तो एलडी सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अगर आप एक स्ट्रिक्ट बजट पे हो, स्टूडेंट हो या नए आए हो, तो यार ये सारी चीजें ना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करते करते ही बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बट एक बार आप सेटल हो जाते हो ना, फिर थोड़ा आप क्वालिटी की तरफ जाते हो। और ये मेरा फेवरेट जो मैं हमेशा एमएनएस से लेता हूँ, कोल्सलो। अच्छा, और मैं दिखा देती हूँ, ये ना दिल्ली स्टाइल कोल्सलो होता है, जो ये ब्रेड में लगा के सैंडविच में खाता है। नहीं, ब्रेड में लगा के अगर आप इसको खाओगे ना, थोड़ा ब्रेड गर्म कर लोगे, टोस्ट कर लोगे, तो आपको बिल्कुल ग्रिल सैंडविच की तरह लगेगा, जैसे इंडिया में मिलता है। और इसका प्राइस यहाँ पे है 240, और सेम चीज आपको एलडी में 85 पेन से लेके 1 पाउंड के अंदर मिल सकती है, और यहाँ पे 240 की है। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो आलू है उनका प्राइस लगा हुआ है 175 का, लेकिन ये व्हाइट वाले नहीं है जो हमें एलडी में मिले थे। डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो पोटैटोज हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंस है, जैसे ये 2.5 पाउंड का 1 किलो, वहाँ पे 2 किलो का पैक था 95 पेंस का, और यहाँ पे जैसे 1-1 किलो के पैक है 190। काफी महंगा है ना, डेली डेली यूज में तो काफी महंगा लग सकता है। मैंने एलडी से छोटा चिकन का पैक लिया था 225 का, और यहाँ पे वही चिकन का पैक है 425 का, छोटा वाला है, बड़ा तो काफी महंगा होगा। जो वहाँ से एग्स लिए थे, और यहाँ पे देखो 230 का है 6x, और जो LD का प्राइस है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक और चीज जो मुझे मार्क्स एंड स्पेंसर की पसंद है, वो है यहाँ के बिस्किट्स और चॉकलेट्स। इनका टेस्ट जो है वो किसी भी सुपरमार्केट से ज्यादा अच्छा है, तो अगर मुझे कुछ लेना होता ना, मैं यहीं से लेती हूँ। यार, मार्क्स एंड स्पेंसर की जो ये चॉकलेट कलेक्शन होती है ना, एक तो इतनी सुंदर होती है, ओह माय गॉड, वाओ, लुक एट दैट। और ये लाइट अप वाले बॉक्सेस होते हैं, ये हर बार ना, हर साल डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ये वाला बॉक्स देखो कितना अच्छा है। हाँ, कभी भी किसी को गिफ्ट करना हो ना, चॉकलेट्स यहाँ की बेस्ट रहती है। अच्छा, रेड इंडियंस भी यहाँ पे थोड़े महंगे हैं, यहाँ पे 110 का है पर केजी, और एलडी का प्राइस जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, और सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी है यार। अच्छा, ये लड़की ना महंगा महंगा सामान देखने लग गई है यहाँ पे। बेबी, इसमें तेरा घर बिक जाएगा। 80,000 के शूज है, 80,000 के। हाँ, क्वालिटी देखने में पता लग रही है, 5 पाउंड की मिक्स बेरीज। हाँ, वो वाली 3 पाउंड की है। नहीं, ये नहीं लेनी। चलो ले लो। तो आज की हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है फिनिश। हमने ट्राई किया कि 2-4 सुपरमार्केट्स आपको दिखाएं, और दिखाएंगे कैसे यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन हम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सुपरमार्केट्स में ना अलग अलग डील्स चल रही होती है। हाँ। तो कई बार हो सकता है कि कोई चीज कहाँ सस्ती है, कोई चीज कहाँ सस्ती है। जैसे हमने यहाँ से मॉरिसन से आज स्प्राइट का बड़े वाला पैक लिया, जिसमें 8 कैंस थी, वो नॉर्मली 5 पाउंड का आता है, और यहाँ पे 3 पाउंड का लगा हुआ था। हाँ, तो बेसिकली बात यही है कि अगर आपको डेली शॉपिंग करनी है, डेली ग्रोसरी शॉपिंग जो आपको करनी होती है 10 दिन की, 15 दिन की, वो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम एलडी से करें। एलडी से अफोर्डेबल प्राइस में बजट शॉपिंग हो जाती है। एलडी हो गया, या एसडा हो गया, या लिडल हो गया, दिमाग नहीं भटकता। और अगर आप यहाँ पे बड़ी बड़ी सुपर मार्केट में जाओगे तो आप बोलोगे ये भी उठा लो, वो भी उठा लो, काफी चीजें ले लेते हो आप। तो इसलिए हमें लगता है कि एलडी हो गया, लिडल हो गया, या एसडा हो गया, ये कुछ ऐसी सुपर मार्केट है। हाँ, तो ये काफी अफोर्डेबल है, इवन एसडा भी काफी अफोर्डेबल, एसडा काफी अफोर्डेबल है। हाँ। तो आज हमने कहा अफोर्डेबल वाली में से एक रखते हैं, जैसे कि हो गया एलडी, और मिड रेंज वाली में से हमने रखा मॉरिसन को, और जो हाई एंड है वो हो गया एमएनएस फूड्स। तो होपफुली यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, आज की प्राइस कंपैरिजन की। आजकल ना यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड हो चुकी है, तो जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं ठंड के लिए प्रिपेयर हो क्या, और जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और बढ़िया गरम गरम खाना खाओ यार घर पे ठंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।